उन्होंने ये किया और उनका ये कारनामा है, उनकी मसालत की अजान का मसला है, उनके मदरसीन का मसला है, वो हमारी कमजोरियां जरूर है, लेकिन आप इज्तिमाई तौर पर देखें कि 5% ये मसालत ठीक है, वरना अगर उनके मसालत और मदारिस का हाल देखा जाए तो अगर हमारी 1% खराबी है तो उनकी 50% खराबी है। मैं ये कंपेयर इसलिए करता हूं कि ऐसी बातें बाज़ात आने सुन्नत में मायूसी दिलाती है कि हम बस ये बोल रहे हैं, सारा काम वही कर रहे हैं, जितने भी उलमा और मदारिस के मदरसीन आप श्री फरमाए कि आप वो काम नहीं कर रहे अपने अपने जगह बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन बुजुर्गों की तालीम का मकसद है कि इसको मजीद मुअस्सर बनाया जाए। एक बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। दूसरी बात जो मुख्तसर मुझे है कि हम सियासी महाज हो, मजहबी महाज हो, या कोई तंजीम या जवाब की मीटिंग हो, और जहां हम किसी अवामी हल्के में हो, जिस चीज का मैं फुकदार को कभी देखता हूं वो हमारी मदारत से बहुत ज्यादा मामला ऐसे हैं कि जिनको हम संजीदा होकर कबूल नहीं करते, उसको मजाक में डाल देते हैं, पर के बाद का ऐसा होता है कि हम आवाम के सामने ऐसा मजाक करते हैं, ऐसी बात करते हैं मुक्तदियों के सामने, नमाजियों के सामने, आवामी हल्के के अंदर लोग जब अपनी नशिस्त पर जाते करते हैं कि उलामा क्या उनको इस तरह की मजाक करनी चाहिए। ये जो नॉन सीरियसनेस है, गैर संजीदगी जो है, हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। ये उलामा का शेरा नहीं है, बल्कि उलामा मतानत और संजीदगी के साथ कोई भी बात करें या मनवाए। आना और मसाजत, अगर मसाजत की जो परेशानियां हैं उसको आपने बड़ी अच्छी तरह पेश की है। आप अपने महल्ले का एक जो सीपर है, जो स्पाइस भी करने वाला है, उसको थप्पड़ मार दें तो पूरे इलाके में कूड़े के ढेर भर जाएंगे, वो पूरे का पूरा इलाका काम करना छोड़ देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उलमा को काम करना छोड़ना चाहिए, ये ऐसा क्यों है कि उनके अंदर यूनिटी है, वो एक वर्कर अपने दूसरे वर्कर का एहसास करता है। मैं मस्जिद का इमाम हूं, खादिम हूं, खदीम हूं, मुदर्रिस हूं, अगर मुझे वो देहात को स्कूल में जो मस्जिद है, वो जो गरीब महल्ले का इमाम है, अगर मुझे उसका एहसास हो जाए और मैं उसके साथ इत्तेहाद और यूनिटी का मुजाहरा करते हुए उसके दो दर्द में शरीक हो जाऊं और हम एक चैन के अंदर, एक मोतियों की घड़ी के अंदर बो दिए जाए कि हम एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करें और हर करने की मुस्बत अंदाज में कोशिश करें तो हमारा ये मसला भी हल हो सकता है। और इसमें एक और बात भी अर्ज करूंगा कि कमजोरियों पे कई बातें की गई, जब हम जुमे को खुतबा देते हैं तो बगैर कहने के लिए आप ये पढ़ के देना शुरू हो चुके हैं, हमारे पास किताबें मौजूद है, लेकिन वो जो 12-15-20-24 तकरीरों का सर्कल है उससे भी मैं बाहर निकलूंगा। कुरान पाक के अंदर सिर्फ 24 मौजूद नहीं है, निजामी मैशत भी है, आगे सियासी सिलसिला आ रहा है, आप शरीफ तौर पर वोट की हैसियत बताएं, आप ना कहेंगे फिलहाल को वोट दो, लेकिन शरीफ तौर पर जो है वो वोट की हैसियत बताएं, कुरान पाक पढ़े, हदीस पढ़े और इस पर उलमा की किताबें मौजूद है वोट की शरीफ हैसियत पर, उनको पढ़कर लोगों को बताए ताकि लोग जो है वो ये समझे कि हमारा जो मस्जिद के इमाम साहब है आलमदीन है वो हजारों वाकयात से आता है। अल्लामा शामी ने लिखा है कि मल्ला भी आरिफ अहवाल जमाने फवजा है, जो जमाने की आवाज से आगाही को तो जाहिल है। तो इस्लाम की जाहिलियत का मतलब यह है कि हम जो ताकत में रखे उसको हालात के साथ कंपेयर करें, यह भी हमारी जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आज जो लोगों का मस्जिदों की तरफ रजू नहीं होता उसकी कई वजूहात के साथ एक वजह यह है कि हमारा टॉपिक सिर्फ एक होता है, एक मौजू है, हम बार बार उसी मौजू पर लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, लोग कहते हैं यार जो मौसम पहले उस दुनिया में नमाज अदा नहीं करवाते, तो हमें यह भी करना।
में दीन का बेड़ा उठाया हुआ है। ये हमारी गलती नहीं है, ये इंटरनेट और टेलीविजन की गलती नहीं है, ये वो लोग हैं कि जो कसम मुस्लिम के आलम में सुबह अपने मुसल्ले पर बैठकर बच्चों को, मैं ये कहा करता हूं कि अगर हमारे कौम के बच्चों को दुरुस्त अंदाज में कलमा पढ़ना आता है तो वो उस मुसल्ले के इमाम की मेहरबानी है कि जो 3-4-5 हजार रुपए की वहां अदा करता है और सुबह उठ के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लोगों के बच्चों को पढ़ाता है, इंतजामियों की बातें सुनता है, नवाजियों की बातें सुनता है। मैं बड़ों की खिदमत में यह करूंगा कि अगर इन जो हम छोटे तबके के लोग हैं, अगर हमसे किसी मौके पर कोताही हो जाती है तो बड़े हमें डांटने की बजाय बतौर इस्लाम ठीक है लेकिन इंसल्ट की बजाय, एक गुरु की शक्ल बनाने की बजाय हमारे साथ में कसम शब कर रखे। क्यों? कि जब वो छोटे थे तो उनके बड़ों का कसम शब कर रखा तो आज वो बड़े हो गए, तो अगर वो इन पर कसम शब कर रखेंगे तो ये उनका सबाडी नहीं होंगे, ये उनका मुतबादी होंगे कि आने वाले वक्त में वो सीट खाली नहीं। ये एक ऐसा फरदान है कि नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद हमें लीडर को नहीं मिला इतना मजबूत, इतना मजबूत मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं, कोई किसी और तरफ में ना लेते हैं। उसकी वजह है कि हमने अपना सबाडी में पैदा नहीं किया, तो सबाडी में एक मुतबादल अपना जानशीन कैसे पैदा होगा कि जब हम किसी बास्तलाइट आदमी के सर पर तस्ल शिफ्ट रखेंगे। ये शिक्षा का हाथ ही अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और आगे जाएंगे। واجب الاحترام قابل سد احترام معزز علماء کرام، سب تو پہلے مجاہد اسلام محسن اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مبارک باد پیش کرنا، جنہ انتہائی محنت و کوشش کے نال سانو سارے اکٹھیا بہن دا موقع نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑا انہاں دا احسان ہے کہ اکٹھیا رل کے گل بات کرن دا سانو موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ میں ساری گفتگو حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب دی سنی ہے، انتہائی قیمتی پر مغز ہے، اس دی میں مکمل تائید کرنا، اور جڑا ایجنڈا ہے اون دے وچ ایک لفظ ہے کہ اپنی کمیاں کوتاہیاں، بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد پاک جڑا انسان وڈیاں دا ادب نہیں کردا، چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا، وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اے جملہ بہت بڑا قیمتی ہے، ایسے تے ہی عمل کر لئیے تے جماعت ساڈی منظم بھی ہو جائے تے انشاءاللہ تعالی کامیاب بھی ہوئے۔ دوسری چیز دے وی ایک تے انہاں وڈیاں دا ادب کرو، وڈے چھوٹیاں تے شفقت، تے دوسرا ہے ذم المومنین خیرا، اگر کدھر کوئی گل سنو اودی تحقیق کر کے تے قدم اٹھاؤ، بدگمانی تو اسلام نے منع کیتا ہے۔ اے دوویں چیزاں نے، وڈیاں دا ادب کرو، وڈے چھوٹیاں تے شفقت کرن، تے اس تو بعد جڑی بھی گل سنو ڈنڈا لے کے دوڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ اس گل دی تحقیق کرو۔ الیکشن دا دور ہے، جتھے بھی کوئی اہل سنت و جماعت بندہ کھڑا ہے اس دی مدد کیتی جاوے۔ ساڈے تحصیل وزیر آباد دے اندر سنی اتحاد کونسل دے رہنما الحاج سرفراز احمد تارو صاحب حلقہ نمبر 103 دے وچوں کھڑے نے، جنہاں دوستاں دا اس علاقے نال تعلق ہوئے وہ ضرور انہاں دی مدد بھی کرنا، اور بھی پورے پاکستان دے اندر جتھے بھی یا رسول اللہ کہن والا ہوئے اپنے مسلک دی بنیاد دے اتے اہل سنت و جماعت لوکاں دی مدد کریا جے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات گرامی، وقت کی تہائی مختصر ہے، اور جو آج کا ایجنڈا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ وقت کا
मुंह के बैगस कोर एक चीज हमें नजर आई वो है दर्द और वो मसल के रसूलुल्लाह का दर्द है। और आप हजरात इतनी तादाद में आप यहां जमा है इसके अंदर की एक बात जो हमें नजर आती है वो यही है एक दर्द और वो दर्द है मसल के रसूलुल्लाह का। रोना नहीं चाहिए, अगर हम रोने पर वक्त सर्व कर देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी जो कमियां हैं कुतालियां हैं जो मामलात हैं वो सारे के सारे अपनी जगह पर हैं। हम सियासी तौर पर हम अपना समाजी तौर पर या किसी भी हवाले से अगर हम पीछे नजर आते हैं तो उसकी बेशुमार खिलाफ मामलात हैं वजूहात हैं। उन वजूहात की जो है वो बात नहीं करूंगा, ये अलग जो है वो मसला बन जाएगा। लेकिन मैं अपनी जो बात करना चाहता हूँ जो आपके सामने दो तीन जुमलों में राय देना चाहता हूँ इन आदाब के हवाले से वो ये है कि साथियों जिस तरह हुकूमत चलाने के लिए बाकायदा पॉलिसी जो है वो दी जाती है उस पॉलिसी को तैयार करने के लिए आवाम होते हैं, इसी तरह मेरी आज की इस मजलिस में तजवीज है कि अहले सुन्नत का ये गुजरांवाला की सतह पर एक थिंक टैंक तश्कील दिया जाए, एक ऐसे जनाब जहीर उलमाए किराम और जहीन लोगों पर मुश्तमिल अहले सुन्नत का एक थिंक टैंक हो, चंद अफराद पर मुश्तमिल हो, वो हमें पॉलिसी मुरतब कर देंगे, उस पॉलिसी पर हम सब जो है वो अमल पैदा हो जिससे हम कुछ ना कुछ नतायज हासिल कर लें। दूसरी बात यह है कि नाकामियां कहां होती हैं, बच्चे का जहन होता है आर्ट्स की जानब, वालिदैन उसको साइंस की जानब ले जाते हैं, बच्चा नाकाम हो जाता है। साथियों अगर हम उसकी जो है वो आबियारी उसके जहन की सतह को मद्देनजर रखकर करें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह अहले सुन्नत के वो आबाद जो किसी भी मसलक में किसी भी हवाले से वो सलाहियत रखते हैं उनको उसमें सपोर्ट की जाए। अगर अलामा मोहम्मद रमजान अवैसी साहब बेहतरीन मुदर्रिस हैं तो हमें चाहिए कि उनको उसी में जो है वो कमाया जाए, उसी में उनको लगाया जाए। अगर हम उनको सियासत में ले आएंगे तो ना वो अच्छे मुदर्रिस रहेंगे और ना वो अच्छी सियासत में जो है वो अपनी कारकर्दगी निभा सकेंगे। ये एक मिसाल है। इसी तरह मदारस अगर देखा जाए तो मदरसे में जो तालीम है वो जामा मदीना तकरीबन में बहुत अच्छी तालीम हो रही है। अगर मैं कहूंगा कोई आदमी पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा अपना दार कमाना चाहता है तो मैं कहूंगा मैं मुझे मेरे पास दावत करवा दो तो मैं उस बच्चे का मुस्तकबिल तरीकी करूंगा। अगर मैं अपने मसले के साथ मुखलिस हूँ तो मैं इन मदारस में भेजूंगा जामा शिदिया अलिया ज़ियाल कुरान में जामा मदीना तकरीबन में। एक आदमी अच्छा मुकर्रर है उसको आप तदरीस के मैदान में ले आएंगे तो वो अच्छा मुकर्रर तो होगा ही नहीं, वो अपने उस शोबे को तो छोड़ चुका होगा लेकिन वो अच्छा मुदर्रिस भी साबित नहीं होगा। हजरत गिरामी मेरी आपसे ये अपील और गुजारिश है चंद एक जुमलों में मैंने जो बात आपके सामने रखी है कि जिस तरह का आदमी है जिस तरह का उसका जहन है जिस तरह की उसकी सलाहियत है उसी को उसी में जो है वो उससे काम लिया जाए। मैं दुआ हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीजों पर अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मुबारक ग्राम शायद इस्लाम के चेहरा देखे खुशी हुई अल्लाह ताला तुम सारा सलामत रखे और तुम्हारी सलामती के नाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी सस्पेंड था लोग सानू क्या निस्बत कुछ मजबूरियां ज्यादा वो लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का टाइम ही कौन नहीं। बस साड़ी एक कोशिश ये है कि शर्म निकल के कभी कभी ना थोड़े जे टाइम कड़ के पीड़ा भरा देखा करो। मैं इस करना इंशाल्लाह साड़ी की मोहब्बत भी है प्यार भी है शौक भी है लेकिन कई बेचारे ऐसे है ना जिन्हें को जगह को नहीं, कई बेचारे ऐसे मदरसे ऐसे है जिन्हें को स्टूडेंट को नहीं माता को नहीं लेकिन जज्बे उन्होंने है। अल्लाह ताला तुम सलामत रखे बड़े मजबूर
ਕਿ ਸੁਨੀਤ ਹਾਪੋਸਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੋਰਡ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਡੂ ਸਾਹਿਬ ਪੇਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਦਾ ਸੁਨੀਤ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਜਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਤ ਚੱਲੋ, ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦ ਦੀ ਜਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਲਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਲਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਬਨਾਦੂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ 73 ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ 20 ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਉਲਮਾਏ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਿਆ ਕੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਿਸਬਤ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਹਲਕਾ ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆ ਰਹਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਆਣਾ ਹੁਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੈਫੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਕੇ ਅਤਬਾਰ ਸੇ ਸੀ ਏ ਇੰਟਰ, ਐਮ ਬੀ ਏ ਐਚ ਆਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐਮ ਫਿਲ ਐਚ ਆਰ ਔਰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਐਚ ਆਰ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਹਮ ਛੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਮਰ ਸੇ ਹੀ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਨਰਸਰੀ ਔਰ ਕੇ ਜੀ ਔਰ ਆਜ ਯੇ ਉਲਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਨ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਇੱਕ ਵੋ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਮਦਰਸੇ ਮੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।